गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ऑल आर फाइन। चलिए तो स्टूडेंट, अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारे लेक्चर को। जो लास्ट लेक्चर हमारे पास था, उसके अंदर हमने आपको क्लियर किया था कि रेशनल और इरेशनल क्या होते हैं, और कोई भी टर्म आपको दे रखी थी तो उसको सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 ही है, बट उसका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्या है क्वेश्चन देखिए। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ए सी। ठीक है, जो सर्कमफ्रेंस होती है उसको हम क्या डिनोट करते हैं, सी, एंड डायमीटर एज डी। थस इट पाई इक्वल्स टू सी अपॉन डी। जो पाई है वो क्या है, सी अपॉन डी है। दिस सीम्स टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट कि पाई इज इरेशनल। हाउ कैन यू रिजॉल्व द कंट्राडिक्शन? तो पाई इक्वल्स टू सी अपॉन डी हो गया, बट सी एंड डी आर रेशनल। सी और डी जो हैं वो हमारे पास क्या हैं बेटा, रेशनल हैं। सी एंड डी हमारे पास क्या हैं, रेशनल हैं। बट इफ वी कैलकुलेट, यदि हम इसको क्या कर दें, अब कैलकुलेट कर दें, किसको, सी अपॉन डी को, इट गिव्स पाई। तो वो हमें क्या देता है, पाई देता है। इट गिव्स पाई किसको, यदि हम इस रेशनल यानी कि सी अपॉन डी को यदि हम सॉल्व कर रहे हैं तो वो हमें क्या दे रहा है, यहाँ पर पाई दे रहा है। बट पाई जो हमारे पास है वो क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। क्या कह देंगे, पाई इज इरेशनल। यहाँ पे अब एक कंट्राडिक्शन लग गई। यहाँ तो कह रहा है कि सी अपॉन डी को सॉल्व करें तो वो पाई दे रहा है, यानी कि रेशनल को सॉल्व करें तो इरेशनल आ रहा है। तो ये कंट्राडिक्शन लग गई, विरोधाभास हो गया यहाँ पर एक, कि दोनों को कंट्राडिक्ट हो गए आपस में। ठीक है, तो हम क्या कह देंगे, बट इफ़ वी कैलकुलेट सी अपॉन डी इट गिव्स पाई, और जो पाई है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। इट मीन्स क्या मीन्स निकला इसका, आइदर सी और डी और बोथ, क्या, या तो सी या डी और बोथ, या दोनों के जो दोनों हैं आर इरेशनल। या तो सी इरेशनल होगा, या इसमें से डी इरेशनल होगा, या दोनों के दोनों ही इरेशनल होंगे, तभी उसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इरेशनल आएगी। ठीक है, जैसे सपोज एग्जांपल, क्वेश्चन ख़त्म हो चुका। एग्जांपल, यदि आप रेशनल को इरेशनल से डिवाइड करोगे तो भी क्या आएगा, इरेशनल आएगा। तो भी क्या आएगा, इरेशनल। इरेशनल को रेशनल से डिवाइड करेंगे तो भी क्या आएगा, इरेशनल। फिर उसके बाद इरेशनल को इरेशनल से ही डिवाइड करोगे तो भी क्या आएगा बेटा, इरेशनल। हर कंडीशन में इरेशनल आना है। यदि उनमें से एक भी इरेशनल है तो कंडीशन क्या आएगी, इरेशनल की कंडीशन आएगी। तो इसलिए यहाँ पर एक कंट्राडिक्शन हमारे पास लग गई है। क्लियर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4। उसके लिए सभी अपना अपना प्लीज ज्योमेट्री बॉक्स निकाल लें, क्योंकि विदाउट ज्योमेट्री बॉक्स ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। फिर भी एक बार आप इसको करके देख लें ध्यान से। रूट 9.3, किसी को भी यदि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हो तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो चीज़ है। ठीक है, किसी को भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो देखिए, जितना भी रूट में दिया हुआ है उसको ड्रॉ कर लीजिए। सपोज हमने ए हो था 9.3 था, तो बेटा हमने इसको 9.3 सेंटीमीटर की तरह ड्रॉ कर ली। ठीक है, फिर उसको 1 इंक्रीज कर लो, फिर आप उसको क्या इंक्रीज कर दो, 1 इंक्रीज कर दो। ठीक, अब टोटल जो आपके पास आ गई इस लाइन का बाईसेक्टर, बाईसेक्टर कैसे करते हैं, हाफ से ज़्यादा का कंपास ओपन करके एक इधर
एक इधर, फिर हाफ कंपास सेम रहेगा, हाफ इधर हाफ इधर, देन जॉइन देम। तो आपके पास ये एक मिड पॉइंट आ गया, दैट मीन्स ए बी का, ठीक है। ए बी का क्या आ गया, मिड पॉइंट्स। तो हमने इसको लैट कर लिया कितना, सी। क्लियर। फिर जब ये मिड पॉइंट आ गया तो सी ए और सी बी जितना मेज़र करके बेटा, अब हमने क्या बना दिया, एक सेमी सर्कल। क्या बना दिया हमने, एक सेमी सर्कल, ठीक है। अब सेमी सर्कल बन गया, जो ये ओ पॉइंट था यहाँ पे, विद द हेल्प ऑफ द प्रोटेक्टर या विद द हेल्प ऑफ द कंपास, आप यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना देना, इससे बाहर मत जाने देना प्लीज़ उसको। इस पॉइंट को ड्रॉ, पी जितना ओ पी है इतना कंपास ओपन करके इधर आर्क ले आइए, इसको आगे ज्वाइन कर दो। ये पॉइंट हो गया डी। ये जो आर्क आएगी ये किसकी आएगी, रूट 9.3 की। तो जितना ओ पी होगा उतना ही ओ डी होगा। ओ पी और ओ डी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि जितना ये है उतना ही हमने कंपास ओपन करके हम आर्क लेके आए हैं। तो ओ पी और ओ डी जो हैं वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर। क्वेश्चन तो कंस्ट्रक्ट हो चुका, देन ज्वाइन सी टू पी, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या ज्वाइन कर देंगे, सी टू पी। अब हम इसको पाइथागोरस थ्योरम से प्रूव भी करके दिखाते हैं। क्लियर। हम इसको लेट कर लेते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक ओ टू ए आपके पास कितना है, x, और आपने जब वन इसको यहाँ पे इंक्रीज किया था तो ए टू बी आपके पास कितना हो गया, x प्लस वन। ए टू बी कितना हो गया आपके पास, x प्लस वन, ठीक है। तो अब यहाँ से जब ए वो x हो गया, वो कितना हो गया, x प्लस वन। तो क्या CP और CB, CP एंड CB बोथ आर इक्वल और नॉट, बिकॉज दे आर द रेडियाई ऑफ द सेमी सर्कल। ये सेमी सर्कल के क्या हैं, रेडियाई हैं। तो हम CP इक्वल्स टू CB, तो पूरा जब आपके पास x प्लस वन है, हाफ हाफ ये हो ही गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वन अपॉन टू। तो CP इक्वल्स टू CB इक्वल्स टू कितना हो गया, x प्लस वन अपॉन टू। और यहाँ से जो ओ सी आपके पास है, जी पूरा x प्लस वन है, तो जो ओ सी हो गया बेटा वो कितना हो गया, x माइनस वन अपॉन टू, ठीक है। तो ओ सी की वैल्यू कितनी आ गई, x माइनस वन अपॉन टू, ठीक। अब हम इसको यहाँ पे वेरीफाई आपको करके दिखाते हैं, जबकि यहाँ पर एक ही राइट ट्राइंगल बन गई, ठीक है। कौन सी ट्राइंगल बन गई अब हमारे पास, इन राइट एंगल ट्राइंगल। तो कौन सी ट्राइंगल बन गई, इन ट्राइंगल सी पी ओ, ठीक है। कौन सी ट्राइंगल बन गई, इन ट्राइंगल सी पी ओ। पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए बेटा, तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, सी पी स्केयर इक्वल्स टू ओ सी स्केयर प्लस ओ पी स्केयर। देखिए पाइथागोरस थ्योरम हमने लगा दी, तो सी पी स्केयर इक्वल्स टू ओ सी स्केयर प्लस ओ पी स्केयर। क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, कि जो हाइपोटन्यूज का स्केयर है वो बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर के स्केयर के इक्वल होता है या नहीं होता है। तो हमने यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। तो सी पी, देखिए सारी वैल्यूज अब आपके पास है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसको 9.3 प्रूव करना है, ठीक है। इसको क्या प्रूव करना है, 9.3। तो जिसको प्रूव करना है उसको हम इधर ले आते हैं, दैट मीन्स ओ पी स्केयर की हम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं हम, ओ पी स्केयर। तो ये सेम रहने दो, तो कितना हो जाएगा, सी पी स्केयर माइनस सी पी स्केयर माइनस ओ सी स्केयर। तो अब यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं, देखो ओ पी स्केयर तो फाइंड करना है, सी पी कितना है, एक्स प्लस वन अपॉन टू। ओ सी, ओ सी कितना है बेटा, एक्स माइनस वन अपॉन टू का स्केयर। तो ओ पी स्केयर इक्वल्स टू, दिस इज़ द आइडेंटिटी, ए प्लस बी का होल स्केयर। तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी, टू का स्केयर इज फोर। ए माइनस बी का होल स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी, टू का स्केयर इज फोर। तो ओ पी स्केयर इक्वल्स टू, दोनों का एलसीएम ले लेता हूँ, लेकिन बीच में बेटा माइनस का साइन है, तो प्लीज़ साइन इज टू बी चेंज, अपॉन फोर कैंसिल, एक्स स्केयर से एक्स स्केयर, वन से वन। तो ओ पी स्केयर इक्वल्स टू टू एक्स प्लस टू एक्स फोर एक्स अपॉन एक्स, ये लीजिए कैंसिल हो गया। तो
तब यहाँ सॉल्व कर देते हैं, क्या आ गया ओ पी स्क्वेयर इक्वल्स टू एक्स। तो टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड, तो ओ पी स्क्वेयर इस पर रूट लग गया इक्वल्स टू रूट एक्स, बोथ आर कैंसिल, तो ओ पी इक्वल्स टू कितना आ गया रूट एक्स। और जो एक्स हमारे पास था देखो ओ टू ए, ये आपने ड्रॉ किया था कितना स्टार्टिंग में 9.3, तो ओ पी इक्वल्स टू कितना आ गया रूट 9.3। तो जब ओ पी 9.3 आ गया तो ओ डी भी आपके पास कितना आ जाएगा 9.3। ये हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं बेटा, तो बोलिए क्वेश्चन इज क्लियर और नॉट क्लियर स्टूडेंट्स। तो जो एक्स की वैल्यू थी वो हमने लास्ट स्टेप में कितनी पुट कर दी 9.3, ये इसका जस्टिफिकेशन यहाँ पर हो गया। तो क्लियर स्टूडेंट्स, हाँ तो चलिए लास्ट क्वेश्चन अब हम करते हैं इसका रैशनलाइजेशन, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। किसी भी टर्म को यदि हमें रैशनलाइज करना है तो हमें कैसे होता है, आपके एनसीईआरटी में अभी ओनली वन टर्म और टू टर्म्स का ही रैशनलाइजेशन है, बाद में थ्री टर्म्स का भी होता है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इसका फर्स्ट पार्ट 1/√7, सेकेंड पार्ट एक और ले लेते हैं 1/√7 − √6। दो पार्ट मैं करूँगा, दो पार्ट फिर आपको खुद करने को देते हैं इसमें, ठीक है। तो देखिए क्या है, सिंगल टर्म का रैशनलाइजेशन करना हो तो हम कैसे करते हैं, 1/√7 जो डिनोमिनेटर में भी टर्म आ गई इसी से उसको मल्टीप्लाई, इसी से उसको डिवाइड। तो 1 को √7 से मल्टीप्लाई कर दो √7, √7 को √7 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 7। ये तो रैशनलाइजेशन होता है किसका, वन डिजिट का। यदि डिनोमिनेटर में टू डिजिट्स आ जाए तो अब आप इसको कैसे करोगे, 1/√7 − √6। ध्यान से देखना बेटा, अब यदि दोनों के बीच में माइनस का साइन है या प्लस का साइन है, दो ही क्वेश्चन बनेंगे, या तो यहाँ पे प्लस आएगा यहाँ पे माइनस। तो माइनस है तो साइन चेंज करके ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस। हमेशा जब भी रैशनलाइजेशन करोगे टू डिजिट्स में तो डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी बनेगी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। कौन सी आइडेंटिटी बनेगी, बिकॉज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू कितनी होती है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, हमेशा ये आइडेंटिटी बनेगी, ध्यान रखना। तो ए इज √7, बी दिस इज √6, सिंगल टर्म पे है कैंसिल हो जाएंगे, तो √7 + √6/7 − 6। अब ये दोनों तो ऐड हो नहीं सकते, क्यों, क्योंकि रूट के अंदर डिजिट्स क्या हैं डिफरेंट्स हैं। तो 7 − 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। ये लीजिए स्टूडेंट इज द रैशनलाइजेशन ऑफ वन डिजिट्स एंड दिस वन इज द रैशनलाइजेशन ऑफ टू डिजिट्स। सेम है यदि यहाँ पे प्लस हो, क्या हो इसमें प्लस, तो यहाँ पे प्लस लेकिन ये दोनों क्या हो जाएंगे माइनस माइनस। तो आइडेंटिटी डिनोमिनेटर में वही बनेगी ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये माइनस होते यहाँ पे माइनस हो जाएगा बस, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम रहेगा। क्लियर स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आज ये एक्सरसाइज हम यहीं पे ओवर करते हैं, खाली एक एक्सरसाइज और बचेगी एक्सरसाइज 1.6, ठीक है, वो आपने 8th क्लास में भी पढ़ी हुई है लेकिन एक बार फिर हम उसको यहाँ पे क्लियर करेंगे। एक्सपोनेंट एंड रेडिकल की एक्सरसाइज है, बहुत इंटरेस्टिंग है वो भी। क्लियर, तो आज के लिए इतना ही, एक्सरसाइज 1.5 ठीक है इसके यहाँ पे कंप्लीट हमने की है, इसको एक बार आप खुद सॉल्व करके देखिए। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय।